और ये बॉक्सिंग का मुकाबला आपके सामने शुरू हो रहा है। ये जूनियर बॉक्सिंग लेवल है और यहाँ पर आतिफ और हफीज के दरमियान मुकाबला है। ये मुकाबला शुरू होने के लिए जो बात की जाती है, ये रेफरी है धनु बॉक्स पर हमारे। बदनाम कयादत नाकाम मंसूबे यकजा हुए सारे दुनिया के अजूबे शहर कराची को सब मिलके ले डूबे पढ़कर करप्टों से ले लो कराची को हक दो कराची को बदलो कराची को हक दो कराची को बदलो कराची को वो शहर कराची को मुकाबला चल रहा है। रोशनियों का था गुलजार गुलों का था सुख चैन दिलों का था दरमा दुखों का था सामा खुशियों का था दरमा दुखों का था सामा खुशियों का था मिलकर नई माओ ढूंढो कराची को हक दो कराची को बदलो कराची को हक दो कराची को बदलो कराची को हक दो कराची को बदलो कराची को हक दो कराची को। वेलकम स्मार्ट गार्डन की तरफ से धन्यवाद फंड दिया जा रहा है 16,000 रुपए। वहाँ के जिम्मेदारान मौजूद है। जमाते इस्लामी जमाते इस्लामी। और अब आपके सामने दूसरा मुकाबला जुनैद खान और मोहम्मद रिजवान सेकंड फाइट बॉक्स। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके सामने। जीना होगा मरना होगा धरना होगा धरना होगा सबकी खातिर। छोटे बच्चे सैफुल्लाह मोहम्मद अहमद बहुत दिलचस्प मुकाबला हो रहा है दरमियान और पंच के पंच मार रहे हैं। तो अपने बड़ों से भी आगे हैं। जबरदस्त शहर नहीं बदलो दसो लोग हैं जर दो गम से चूर इनका इलाज तो करना है। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है भाई। बॉक्सिंग है या फाइटिंग नहीं है? चलना है जीना है मरना है धरना है भाई धरना है धरना है भाई धरना है। ये बच्चों का मुकाबला देख के ऐसा लगता है कि इनको सिंध असेंबली के अंदर भेजना पड़ेगा और सिंध असेंबली के अंदर ये मारामारी का मंजर आप लोग देख रहे हैं। ये बच्चे कंट्रोल में नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये तो ऐसा मुकाबला है जो आज से पहले ना कभी देखा गया है ना कभी देखा जाएगा। और ये बच्चे समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरफ लेके जाएंगे हमें। ओह ओह और ये लगता है कि पकड़ लिए हैं। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम आपस में इसी तरह लड़ रही है लेकिन साथ में ये पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम है। बेहतरीन यही मुकाबला होता है हमेशा। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम एक साथ जाके बैठ जाती है। आज देखें यही मुकाबला होता है हमेशा। ये चाबी मिली है जिस किसी साथी की है वो खालिद भाई से ले सकते हैं। और ये उस्ताद खालिद कुरैशी भाई जो स्टेज पर होते हैं हर वक्त दिन रात भर में होते हैं उनसे ले सकते हैं। रंग अमल का भरना है रंग अमल का भरना है
आज निकलना है, सब तहरीक के चलना है, जीना है या मरना है, धरना है भाई धरना है। बॉक्सिंग क्लब है, ये सिल लेवल के मुकाबले करवाते हैं, इनके लिए तालियां, गन्नू बॉक्स भाई के लिए तालियां। ये इनके उस्ताद है और इनको बॉक्सिंग सिखाते हैं ट्रेनर है। ये उस इलाके के लोगों के लिए बॉक्सिंग क्लब एक नेमत है, जहां पर लोगों को मलेशिया से रखने की मुश्किल लानत से बचाने के लिए ये फुटबॉल क्लब, बॉक्सिंग क्लब और इसके अलावा ताइक्वांडो कराटे, ये सारी एक्टिविटीज हमारे जमात इस्लामी के तहत करवाई जाती है। ये अपने बॉक्सिंग का टैलेंट दिखाते हुए उस्ताद को शेयर नहीं कर सकते। जमात इस्लामी हल सिर्फ जमात इस्लामी, ये फैसल बॉक्सिंग क्लब, जमात इस्लामी हल सिर्फ जमात, ये एक पार्किंग बनी हुई है उसके अंदर के। कराची निकला है, बॉक्सिंग नहीं हुई। कराची निकला है हक लेने अपना, शाबाश हक लेने अपना धनु पक्ष भाई, और ये तालियां इनके लिए। कराची निकला है इस देश के हुक्मरान सुने सारे अहले ऐवान सुने इंसान। ये वाली कुश्ती देख के ऐसा लग रहा था कि अकेले जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और एमजीएम और जो बाकी लीग है उनका मुकाबला कर रही है, लेकिन जीती फिर से जमात इस्लामी। आप देखे समझो जिंदा हल सिर्फ जमात इस्लामी, आए आप लोग इसके साथ पढ़ दें, हल सिर्फ जमात इस्लामी, 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 हल सिर्फ जमात इस्लामी। हम बाबू चोर बेरो, हम छीन के लेंगे हक अपना, अब चैन से हम ना बैठेंगे, हम लेके रहेंगे। आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान में कितना टैलेंट है, भाई साहब आप इस मुकाबले को देख के क्या कहते हैं, लगता है कि आगे मामला जो है वो बढ़ते इसी तरह जाएंगे? जी हाँ बिल्कुल, ये टैलेंटेड लोग हैं, इनकी कदर करने वाले होने चाहिए। और जमात इस्लामी और आप नईम और रहमान की कह रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला इस शहर के नौजवानों को इन स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में लाया जाएगा और यहाँ से भी ओलंपियंस और गोल्ड मेडलिस्ट निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। इस देश के चाहने वाले हैं हम शहर कराची वाले हैं, बेजार है ना इंसाफी से, इंसाफ के उम्मत वाले हैं, चेहरे नहीं सिस्टम बदलेंगे, ये फैसला हमने करना है। अब ये देखिए मुकाबला, ये बिल्कुल अब ये तो कभी सभी में लड़ाई हो रही है, तो नेशनल लेवल के फाइटर है। यहाँ राज है बतौल वाणी का, जलता सिक्का मनमानी का, मुझे लगता है कि हम लोग को भी जो है ना वो जज्बात दिला रहे हैं।